मध्य प्रदेश बीजेपी में अजब गजब मंत्रियों की भरमार पड़ी हुई है। आए दिन मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता अलग अलग बयान देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। वहीं बीजेपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 4 दिवसीय पदयात्रा भगवान कोटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रारंभ की। बता दें कि मंत्री जी पदयात्रा माँ पीताम्बर के दर्शन के बाद समाप्त होगी। वहीं ऊर्जा मंत्री जहां जहां रुकेंगे वहां वहां जनता की समस्या सुनेंगे, जिसके तहत लोगों की विद्युत समस्या का निवारण मौके पर किया जाएगा। दरअसल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मां पीताम्बर से मन्नत मांगी थी, जिसके पूरा होने पर ऊर्जा मंत्री मां पीताम्बर के दरबार में मत्था टेकने पदयात्रा के रूप में जा रहे हैं। इस बीच वहाँ से भी गुजरेंगे, वहाँ जगह जगह लोगों से मिलेंगे और उनकी बिजली संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों ही मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली की दरों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। ऐसे में शिवराज की मंत्री की पदयात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मंत्री तोमर के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग दतिया पहुंचेंगे, जहां पीताम्बर पीठ पर 7 अप्रैल को दर्शन करने के बाद यहाँ पदयात्रा समाप्त होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में बिजली समस्या न होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को समस्या निवारण के लिए आखिर पदयात्रा क्यों करनी पड़ रही है, ऐसे तमाम आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं।